सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलता है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछे नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। आज का पंचांग 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 9:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:40 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार, हाल ही में हुई कोई दुर्घटना या चोट आपको आत्म जागरूक या कमजोर महसूस करा सकती है। खुद को नए सिरे से शुरुआत करने दें और किसी एक काम या प्रशिक्षण के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धा भी दूर होगी। परिवार से जुड़ाव महसूस करेंगी, किंतु आर्थिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है। संयम के साथ खर्च करना सफलता की कुंजी है। जब आपकी विनम्रता और संयम शक्ति से मिल जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस अनुभवी इंसान की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रुके हुए काम में तेजी आ सकती है। आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल है। आप किसी दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे और सफल भी होंगे। दूसरों की गलतियों की वजह से आपके विचारों में नकारात्मकता बढ़ेगी। बड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन ये खर्च जरूरी कामों में होगा। आपको कमाई बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना करें। किसी की मदद से काम में विस्तार हो सकता है। पार्टनर के साथ कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकता है। सारी कमजोरी के कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। सावधानियां, दोपहर बाद विपरीत परिस्थितियां बन सकती है, इसलिए दूसरों के मामलों में दखल ना दें तो उचित है। जल्दबाजी और लापरवाही जैसी कमियों पर काबू रखना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। निकट संबंधियों के साथ आपसे विचारों का आदान प्रदान सबको खुशी देगा। गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बनेगा। रूप कभी कभी वो काम कर जाता है जो शब्द नहीं कर पाते। एक नए हेयर कट के बारे में आपका क्या ख्याल है। नए रिश्ते में किसी भी तरह की पहल करने से ना हिचकिचाएं। चाहे प्यार का इजहार हो या अंतरंगता, आज आपकी लालसा अपने साथी के साथ समय बिताने और उन पर पैसे खर्च करने की भी हो सकती है। किसी खास के लिए उपहार खरीदना उसे आनंदित महसूस करा सकता है। उसकी प्रशंसा करें और अपने जीवन में उसके महत्व के बारे में उसे बताएं। यह छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को रंगीन कर देगी। बात करती है करियर की। आज धन और खुशी दोनों आपके कार्ड्स में है। आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में जानते हैं। वह अपने लक्ष्य की तरफ अड़िग हैं। अपने कामों को देखें क्योंकि वही आपकी नियति है। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। आज आप अपने कार्य स्थल में परफेक्शन प्राप्त करने के साथ साथ लंबे समय से अटकी परियोजनाओं पर भी काम करना चाहते हैं। कोई अनचाहा भय आपको परेशान कर सकता है। आपको अपने कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास है।
इसीलिए आप हर काम को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिजनेस में नया काम शुरू किया है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए सजग रहें। गुस्से और आवेश जैसी कमियों पर काबू रखें। शारीरिक कमजोरी के कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।